फ्रेंड्स, सर्विस कॉस्टिंग का आज फोर्थ लेक्चर है हमारा। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए, आपने प्रैक्टिस की, लगभग 65 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। और अब जो क्वेश्चन मैं आज कराने जा रहा हूँ, वो क्वेश्चन बेटे इस तरह के हैं कि थोड़े बड़े हैं, थोड़े लेंथी हैं और लीक से हटके हैं। दूसरी बात, आज से लॉकडाउन 4 हमारा चालू हो गया है, थोड़ा प्रिकॉशन आप सभी को रखना है और कोशिश कीजिए जितने अपने आप को दूर रखेंगे लोगों से उतना आपके लिए अच्छी बात है। रही बात कोर्स की, तो कोर्स में भी अब हमारा लगभग 75% कोर्स कंप्लीट हो चुका है कॉस्ट में, और मोस्ट प्रॉब्ली हम बहुत जल्दी इसको कंप्लीट करेंगे। बट आप लोगों ने जैसे रिदम बना रखी है अपनी अपनी पढ़ाई की, रेगुलर आप होमवर्क कर रहे हैं, रेगुलर टेस्ट दे रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में, इसको प्लीज मेंटेन करके रखिएगा। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन। सर्विस कॉस्टिंग का लेक्चर 4 है ये हमारा। करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 है आपके नोट्स का। क्वेश्चन नंबर 12, मिस्टर एक्स ओन से बस विच रन्स अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग शेड्यूल, दिल्ली टू चंडीगढ़ एंड बैक द सेम डे, डिस्टेंस कवर्ड 150 किलोमीटर वन वे, नंबर ऑफ डेज रन ईच मंथ 8, सीटिंग कैपेसिटी ऑक्यूपाइड 90%। इसका मतलब जो मिस्टर एक्स हैं, उनकी बस 8 दिन चलती है दिल्ली से चंडीगढ़ और सेम डे वापस आ जाती है। दिल्ली से चंडीगढ़ का डिस्टेंस उन्होंने बताया है 150 किलोमीटर, और जब पैसेंजर जाते हैं इसमें तो ऑक्यूपेंसी 90% रहती है। दिल्ली टू आगरा एंड बैक सेम डे, डिस्टेंस कवर 120 किलोमीटर वन वे, नंबर ऑफ डेज रन ईच मंथ 10, सीटिंग कैपेसिटी ऑक्यूपाइड 85%। बच्चों, दिल्ली टू आगरा डिस्टेंस 120 किलोमीटर चलती है, सेम डे वापस आ जाती है, और महीने में 10 दिन ऐसा करती है। एक बात का ध्यान रखना बच्चों, अब इस बात पे कोई आर्ग्यूमेंट मत करना कि सर दिल्ली से आगरा तो 200 किलोमीटर दूर है, ये 120 लिखा है, तो क्वेश्चन गलत है। जो इन्फॉर्मेशन दी है उसी से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। एग्जामिनर आपसे आगरा से दिल्ली नहीं नपा रहा है, वो आपको जानना चाहता है कि यू नो हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट, दिल्ली टू जयपुर एंड बैक सेम डे, डिस्टेंस कवर 270 किलोमीटर वन वे, नंबर ऑफ डेज रन ईच मंथ 6, सीटिंग कैपेसिटी 100%। फॉलोइंग आर द अदर डिटेल्स, कॉस्ट ऑफ बस 6 लाख, सैलरी ऑफ ड्राइवर 2800 पर मंथ, सैलरी ऑफ कंडक्टर 2200 पर मंथ, सैलरी ऑफ पार्ट टाइम अकाउंटेंट 200 पर मंथ, इंश्योरेंस ऑफ द बस 4800 डीजल कंजम्पशन 4 किलोमीटर पर लीटर एट 6 पर लीटर, रोड टैक्स 1500 पर एनम, लुब्रिकेंट ऑयल 10 रुपीज पर 100 किलोमीटर, परमिट फीस 315 पर मंथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 1000 पर मंथ, डेप्रिसिएशन ऑफ द बस 20% पर एनम, सीटिंग कैपेसिटी 50% की है, पैसेंजर टैक्स 20% ऑफ टोटल टेकिंग्स, कैलकुलेट द बस फेयर टू बी चार्ज फ्रॉम ईच पैसेंजर टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 30% टोटल टेकिंग्स, द फेयर्स आर टू बी इंडिकेटेड पर पैसेंजर फॉर जर्नी। आपको निकालना है दिल्ली से चंडीगढ़ का, दिल्ली से आगरा का, दिल्ली से जयपुर का पैसेंजर टैक्स 20% ऑफ टोटल टेकिंग, जो भी रेवेन्यू आएगा, एंड प्रॉफिट इज 30% ऑन टोटल टेकिंग्स, राइट। इसके आंसर आपके दिए हुए हैं, मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले जो अभी तक क्वेश्चन किए उससे डिफरेंट क्या है वो समझते हैं।
अभी तक जो क्वेश्चन की है उसमें कहीं भी आपकी जो डिस्टेंस था वो अलग अलग नहीं था। इस क्वेश्चन में दिल्ली टू आगरा अलग है, दिल्ली टू चंडीगढ़ अलग है, दिल्ली टू जयपुर अलग है। तो सबसे पहला काम ये करो आप इसमें कि किलोमीटर्स निकाल लो, क्यों? क्योंकि हमें चाहिएंगे डीजल के लिए, और पैसेंजर किलोमीटर निकाल लो ताकि हम रेट निकाल सके। तो क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। किलोमीटर्स और पैसेंजर किलोमीटर्स, ठीक है, दिल्ली टू चंडीगढ़ कितना भैया? 150 किलोमीटर इनटू आना जाना 8 दिन और 12 महीने, हम पूरे साल के हिसाब से निकाल रहे हैं। तो ये आ गया हमारा 28,800 दिल्ली टू आगरा, 120 किलोमीटर इंटू 2 इंटू 10 टाइम्स इंटू 12 मंथ्स, अगेन दिस इज 28,800 दिल्ली टू जयपुर, 270 किलोमीटर इंटू 2 आना जाना इंटू 6 डेज इंटू 12, ये आ गया हमारा 38,880। टोटल किलोमीटर्स आ गए हमारे 96,480, राइट। अब पैसेंजर किलोमीटर्स निकाल लेते हैं। तो इसमें किलोमीटर्स थे 28,800 इंटू 50 पैसेंजर्स इंटू 90% कैपेसिटी, 90% कैपेसिटी थी ना, हाँ 90%। ये आ गया हमारा 12,96,000। ऐसे ही इधर 28,800 इंटू 50 इंटू 85%, ये आ गया हमारा 12,24,000। अब इधर आ जाते हैं तो 38,880 इंटू हमारा कितना है 50 पैसेंजर्स 100% कैपेसिटी, यही था ना, ये आ गया हमारा 19,44,000। वही टोटल आ गया हमारे पास 44,64,000। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बनाते हैं अपन ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट, सबसे पहले फिक्स चार्जेस स्टैंडिंग चार्जेस, डेप्रिसिएशन फिक्स में होगा, 6,00,000 की कॉस्ट है इनटू 20%, 1,20,000। इसके बाद है सैलरी ऑफ ड्राइवर, ₹2,800 per month है, ये आ गया हमारा 33,600। कंडक्टर सैलरी, ₹2,200 into 12, ये आ गया 26,400। पार्ट टाइम अकाउंटेंट सैलरी, अकाउंटेंट सैलरी
200 इंटू 12 बड़ा सस्ता अकाउंटेंट है भाई, 2400 इंश्योरेंस, 4800 पर मंथ, इसके बाद आ गया बेटे रोड टैक्स, ये दिया हुआ है 1500, देन परमिट फीस 315 रुपए पर मंथ से 12 महीने की, 3780। इसके बाद क्या रह गया फिक्स में, रिपेयर मेंटेनेंस 1000 पर मंथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस इनटू 12, ये फिक्स चार्जेस आ गए टोटल हमारे, टोटल कर लेते हैं इसका, दो लाख 4480, 2,04,480। इसके बाद रनिंग चार्जेस, डीजल कितने किलोमीटर आए थे बेटे ऊपर, किलोमीटर आए थे हमारे 96480 इंटू 6 रुपीज डिवाइड बाय 4, क्योंकि 4 किलोमीटर चलती है एक लीटर में, 144720। और ऑयल है 96480 किलोमीटर इंटू 10/100, यानी कि 9648, ये आ गए टोटल हमारे 154368। टोटल कर लेते हैं, ये हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गई, थ्री फाइव एट एट फोर एट। इसमें हमें अभी जोड़ना है पैसेंजर टैक्स, जो अभी निकालना है वर्किंग नोट वन, ऐड करना है प्रॉफिट, वो भी निकालना है, और ये आ गई हमारी टेकिंग्स। टेकिंग्स को डिवाइड करेंगे अपन पैसेंजर्स किलोमीटर से, पैसेंजर किलोमीटर कितने थे हमारे 44,64,000, अरे स्पेस तो कम रह गया, 44,64,000। थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, स्पेस बढ़ गया, अब आते हैं वर्किंग नोट पर, वर्किंग नोट वन,
लेट टोटल टेकिंग्स इक्वल्स टू एक्स, पैसेंजर टैक्स हो गया बच्चों हमारा 0.20 है क्योंकि 20% है, प्रॉफिट हो गया हमारा 0.30 एक्स क्योंकि 30% है एक्स का, कॉस्ट कितनी बची हमारी, कॉस्ट बची हमारी x माइनस 0.20 x माइनस 0.30 x इक्वल टू 50 x, और कॉस्ट कितनी आ रही थी आपकी, कॉस्ट आ रही थी बेटे 358848, इसका मतलब हुआ 0.50 x इक्वल टू 358848। Therefore, x equal to, x की वैल्यू आ गई हमारी, निकाल लेते हैं 717696, तो ये आ जाते हैं हम 717696। अब हमारा प्रॉफिट कितना हुआ 717696 का 30% 215309 9, और पैसेंजर टैक्स कितना हुआ बेटे 717696 इंटू 20% 143539 जोड़ दिया हमने 358848 इक्वल्स टू आ गया 502387। अब हम निकालते हैं टेक फेयर पर पैसेंजर पर किलोमीटर, तो क्या करेंगे अपन 717696 को डिवाइड कर देंगे 44,64,000 से, 717696 डिवाइडेड बाय 44 ये आ गया बेटे 0.16, यानी कि 1 किलोमीटर 1 पैसेंजर से हमें चार्ज करना है 0.16। क्वेश्चन में पूछा है दिल्ली से चंडीगढ़, दिल्ली से आगरा, दिल्ली से जयपुर, तो आंसर कैसे निकालेंगे, दिल्ली टू चंडीगढ़ कितना किलोमीटर है 150। मेरे ख्याल से बीच में कहीं डिस्टरबेंस आया है, दोबारा मैं चाहे रिपीट कर देता हूँ इसको बच्चों, हमारी कॉस्ट आ गई थी 358848 आ गई थी हमारी कॉस्ट। इसके बाद हम आते हैं वर्किंग नोट पर, टोटल टेकिंग्स को हमने एक्स माना, पैसेंजर टैक्स 20% था तो 0.20 एक्स हो गया, प्रॉफिट 30% था 0.30 एक्स हो गया, टेकिंग्स में से पैसेंजर टैक्स और प्रॉफिट घटा दिए तो हमारे पास बची कॉस्ट, कॉस्ट कितनी बची 0.50 एक्स, 0.50 एक्स को इक्वल रखा हमने वो कॉस्ट जो आपने कैलकुलेट की थी 358848, इससे हमारी क्या निकली आई वैल्यू ऑफ एक्स यानी टेकिंग्स निकली आई, टेकिंग्स हमने पुट की टेकिंग की जगह पर, इसका 30% प्रॉफिट और 20% पैसेंजर टैक्स, इस टेकिंग्स को डिवाइड किया हमने
पैसेंजर किलोमीटर से, तो हमको क्या मिल गया, फेयर पर पैसेंजर पर किलोमीटर, पर पैसेंजर पर किलोमीटर, राइट। ये आ गया 0.16। अब हमें निकालना है फेयर दिल्ली से चंडीगढ़। दिल्ली से चंडीगढ़ जाने के लिए 16 पैसे पर किलोमीटर, कितने किलोमीटर, 150। तो ये हो गया रुपीज 24। और दिल्ली से आगरा 0.16 इंटू 120 इक्वल टू हो गया रुपीज 19.20। और दिल्ली टू जयपुर 0.16 इंटू 270 ये आ गया रुपीज 43.20। तो बच्चों ये हो गया आंसर, समझ में आया। इस क्वेश्चन में जो मेन बात थी ना, वो मेन बात थी कैलकुलेशन ऑफ किलोमीटर्स। कि हमें अभी तक जो क्वेश्चन किए थे उन क्वेश्चंस में हमने केवल और केवल यही पढ़ा था कि पूरे महीने सेम लेवल था डिस्टेंस चलने का। अब इस क्वेश्चन में तीन अलग अलग जगह जा रहे हैं हम, दिल्ली भी जा रहे हैं, आगरा भी जा रहे हैं, चंडीगढ़ भी जा रहे हैं, आगरा भी जा रहे हैं और जयपुर भी जा रहे हैं। तीनों की अलग अलग डिस्टेंस है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, किलोमीटर्स निकालने हैं। अगर हमें डीजल का खर्चा निकाल के दिया होता, लमसम दिया होता, किसी और किलोमीटर बेस नहीं होता, तो हमें किलोमीटर निकालने की जरूरत नहीं थी। दूसरा, पैसेंजर किलोमीटर निकालने पड़ेंगे। क्यों निकालने पड़ेंगे, क्योंकि तभी तो आप निकाल पाओगे पर पैसेंजर पर किलोमीटर। तो दिल्ली से चंडीगढ़ 150 किलोमीटर आना और जाना, सेम डे वापस आ जाती है गाड़ी, महीने में 8 दिन और साल में 12 महीने। ऐसे दिल्ली टू आगरा निकाला, दिल्ली टू जयपुर निकाला, जो किलोमीटर्स आ गए उसमें पैसेंजर का मल्टीप्लाई किया। भाई 50 कैपेसिटी थी, एक्चुअल में कितने थे, 90। तो 90% का मल्टीप्लाई करके हमने टोटल पैसेंजर किलोमीटर निकाल लिए। जब हमने कॉस्ट शीट बनाई तो फिक्स चार्जेस मेरे ख्याल से इतना हम पढ़ चुके हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कॉस्ट शीट में। जो इशू आएगा वो यहाँ पर आएगा कि हमारी कॉस्ट आ गई 3,58,848 और साथ में हमको बताया क्वेश्चन में कि 20% पैसेंजर टैक्स है और 30% क्या है प्रॉफिट, किसका, ग्रॉस टिकिंग्स का, जो हमें पता नहीं है। तो हमने क्या किया, वर्किंग नोट निकालना बनाया। वर्किंग नोट में हमने क्या किया कि टोटल टेकिंग्स को एक्स मान लिया। अब एक्स मान लिया, पैसेंजर टैक्स कितना था हमारा 20%, तो हमारा कितना हो गया पैसेंजर टैक्स 0.20x। उसके बाद हमने क्या किया, प्रॉफिट को लिया 30% यानी 0.30x, दोनों को लेस कर दिया तो कॉस्ट आ गई 0.50x। आप कॉस्ट निकाल चुके थे 358,848, उसको दोनों को इक्वल किया, टोटल टेकिंग की वैल्यू आ गई हमारी। जब टोटल टेकिंग की वैल्यू आ गई तो उसको डिवाइड किया हमने पैसेंजर किलोमीटर से, तो हमें क्या मिल गया, फेयर पर पैसेंजर पर किलोमीटर, ये हमें मिल गया, राइट। ये आया हमारा 0.16 पर पैसेंजर पर किलोमीटर। क्वेश्चन में पूछा, भैया फेयर बताओ, दिल्ली से चंडीगढ़ जाएंगे तो कितना रुपया लोगे, दिल्ली से आगरा जाएंगे तो कितना रुपया लोगे, और दिल्ली से जयपुर जाएंगे तो कितना रुपया लोगे। तो भैया हमने कहा कि जितने किलोमीटर है उनका मल्टीप्लाई कर दो पर किलोमीटर रेट से। तो 0.16 इंटू 150 24 आ गया, 0.16 इंटू 120 19.20, और जयपुर कितने दूर है 270, तो मल्टीप्लाई किया 0.16 से तो आ गया 43.20। तो बच्चों ये हो गया हमारा क्वेश्चन 12। अब बच्चों वापस आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन एग्जाम में एक बार आया है शायद, एक या दो बार, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टेक्निकल है, घुमा दिया है, कंफ्यूज मत होना, बहुत धीरे धीरे चलेंगे इस क्वेश्चन पे। ग्लोबल ट्रांसपोर्ट चार्जेस 90 रुपीज पर टन फॉर इट 6-ton ट्रक लॉरी लोड फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी, द चार्जेस फॉर द रिटर्न जर्नी आर 84। कंपनी जो है वो जाने का भाड़ा लेती है 90 रुपए पर टन और आने का लेती है
₹84 पर टन ए से बी जाने का, ए से बी का ₹90 और बी से ए का ₹84. नो कंसेशन और रिडक्शन इन दीज रेट इज मेड फॉर द एनी डिलीवरी ऑफ गुड्स एट द इंटरमीडिएट स्टेशन सी. रास्ते में एक जगह है उसका नाम है सी, वहां अगर आपने माल उतार दिया कम लेके गए हमें को मतलब नहीं है भैया, हम तो पूरा लेंगे भाड़ा ए से बी तक का, बी से ए तक का, या ए से लेकर सी तक गए तब भी हम भाड़ा ए से बी तक का लेंगे, और अगर ए बी से लेकर ए तक गए तब भी हम भाड़ा कहाँ तक का लेंगे पूरा, सी का सी तक रुक जाता है माल तो पूरा लेंगे हम, बी ए तक का लेंगे, बीच में हम रुकने कम कम नहीं करेंगे. तो सिंपल सा फंडा है भैया, राजा मंडी से टेम्पू वाला जितने लेगा भगवान टाइस तक के पैसे लेगा. तुम रस्ते में उतरो, सेंट जॉन्स पे उतरो, कहीं संजय प्लेस में उतरो, कहीं फूड सदन पे उतरो, दीवानी पे उतरो, भाड़ा पूरा लगेगा. इन जनवरी 2012 द ट्रक मेड 12 आउटवर्ड जर्नी फॉर सिटी बी विथ फुल लोड. यहां तक रुक जाओ. जनवरी 2012 में ट्रक निकला 12 जर्नी की उसने सिटी बी के लिए पूरा माल भर के. कितना माल भर के? 6 टन भर के. आउट ऑफ विच 2 टन्स वर अनलोडेड ट्वाइस इन द वे एट सिटी. 12 बार में से 10 बार तो सीधा गया बिगर रुके ए से लेकर बी तक, पूरा माल 6 टन लेके, लेकिन 12 में से 2 बार उसकी जर्नी ब्रेक हुई. पहले ए से गया सी तक पूरा 6 टन माल लेके, उस 6 टन में से 2 टन उसने गिरा दिया सी पे, गिरा दिया मतलब उतार दिया, तो मत समझो सी तक उतार दिया. अब सी से जब बी तक गया तो कितना माल लेके गया वो? 4 टन, क्योंकि 2 टन उसने माल. तो भैया इसकी जर्नी के 2 पार्ट हो गए, 10 बार सीधा सीधा गया है और 2 बार टुकड़ों में गया है. 10 बार सीधा सीधा गया है, 2 बार टुकड़ों में गया है. इसके बाद आगे बढ़ते हैं. द ट्रक कैरेड अ लोड ऑफ 8 टन्स इन द रिटर्न जर्नी फॉर विच फॉर 5 टाइम्स. बहुत बढ़िया, 12 बार गया तो लौट के भी भैया 12 बार ही आएगा, तभी तो जा पाएगा. वैसे 11 बार भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली हम मानते हैं कि 12 बार डेस्ट अपनी जगह से गया तो लौट के अपनी कंपनी में वापस आया. तो 12 बार गया और 12 बार वापस आया, लेकिन 5 बार वो 8 टन माल लेके आया बी से ए तक, ओवरलोडिंग करके लाया, बट वॉज कॉट बाय पुलिस. पुलिस ने पकड़ लिया, 1200 रुपए का फाइन भी लगा दिया. बहुत अच्छी बात है. फॉर द रिमेनिंग ट्रिप द ट्रक कैरिड फुल लोड. अब 12 में से 5 बार तो 8 टन लेके आया, बचे कितने? 7. भाई जब गया 12 बार था, लौट के भी 12 बार आ रहा है. 12 में से लौटते में 5 बार 8 टन लेके आया, बाकी टाइम कितने बचे? 7 बार फुल टन, फुल लोड, फुल माल भर के लाया भाई. फॉर रिमेनिंग ट्रिप्स द ट्रक कैरिड फुल लोड आउट ऑफ विच ऑल द गुड्स ऑन लोड वर अनलोडेड वंस एट सिटी सी बट इट रिटर्न विदाउट एनी लोड वंस ओनली रिटर्न विदाउट ए लोड वंस ओनली फ्रॉम सी स्टेशन टू ए. यानी कि 7 में से 6 बार तो चुपचाप ये सीधा आ गया बी से लेकर ए तक, 7 में से 6 बार तो आ गया सीधा बी से लेकर ए तक, लेकिन 1 बार सी पे रुक गया, सारा माल वहीं गिरा दिया, उतार दिया, वहां से सी से लेकर ए तक आया खाली. अब पूरा यहां तक दोबारा रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने. हमने पढ़ा कि 12 जर्नी की ए से लेकर बी तक, रास्ते में एक जगह है सी, 10 बार तो सीधा ए से गया बी तक पूरा 6 टन लेकर, 2 बार गया ए से सी तक 6 टन लेकर, वहां पे 2 टन माल अनलोड किया और सी से लेकर बी तक गया 4 टन, लौट के जब 12 बार आया तो उस 12 बार में से 12 टाइम्स में से 5 बार 8 टन लेके आया, बाकी 7 टाइम्स 6 टन लेके चला, लेकिन उस 6-7 टाइम्स में से भी 6 टाइम्स सीधा ए तक आया, बाकी 1 टाइम वो सी पे गया, सी पे सारा माल अनलोड किया और सी से ए तक आया खाली. यहां तक बात क्लियर हो गई. उसके बाद क्या आता है? डिस्टेंस फ्रॉम सिटी सी ए टू सी एंड बी, सिटी ए टू सिटी सी एंड सिटी बी आर 140 एंड 300 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली.
एनुअल फिक्स कॉस्ट एंड मेंटेनेंस चार्जेस 60,000 एंड 12,000 रनिंग चार्जेस फॉर जनवरी 2944, यानी कि फिक्स चार्जेस और मेंटेनेंस दिए पूरे साल के और ये खर्चा दिया केवल जनवरी 2012 का. यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द कॉस्ट पर एब्सोल्यूट टन किलोमीटर एंड द प्रॉफिट फॉर जनवरी 2012. जनवरी 2012 का चाहिए भैया हिसाब हमें. क्या का फाइंड आउट करना है? कॉस्ट पर एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, हम तो एब्सोल्यूट ही निकालते हैं, एंड प्रॉफिट फॉर जनवरी जनवरी. तो भैया पहले सबसे पहला काम इसमें क्या करना है हमें, देखो तो पहली चीज तो यह है किलोमीटर निकालने हैं और टन किलोमीटर निकालने हैं. लेकिन रनिंग चार्जेस हमको निकाल के दिए हुए हैं ऑलरेडी, तो किलोमीटर से निकालने की जरूरत हमको नहीं है, एक्स्ट्रा हमें एफर्ट्स नहीं लगाने. ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13. हम निकालते हैं इसमें टन किलोमीटर. क्या निकालते हैं बच्चों? टन किलोमीटर. देखो पहले समझो, ए से लेकर बी तक 300 किलोमीटर रास्ते में है सी, ये 140, तो ये हो गया 160, राइट. अब देखो जाने की बात करते हैं, ए से लेकर बी तक 300 किलोमीटर है भैया, कितनी बार गया? 10 बार सी सीधा गया और 6 टन माल लेके गया. तो निकालते हैं टन किलोमीटर, 300 किलोमीटर 10 बार 6 टन लेके, ये आ गया हमारा 18,000. फिर आ जाओ अगेन, दो बार में ब्रेक में गया है, पहले ए से सी तक गया 140 किलोमीटर, टू टाइम्स 6 टन लेके, तो 140 इंटू 2 इंटू 6 टन 1680. सी से लेकर बी तक गया 160 किलोमीटर, टू टाइम्स 6 टन लेके 160 into 2, 4 टन लेके गया, दो टन तो से उतार दिया था माल, into 4 कितना आ गया बेटे, मल्टीप्लाई करते हैं. अब लौट के बात करते हैं लौटने की, बी से लेकर ए तक, बी से लेकर ए तक 300 किलोमीटर 5 टाइम्स 8 टन लेके आया, बी से लेकर ए तक 300 किलोमीटर 6 टाइम्स 6 टन लेके आया, बी से लेकर सी तक 160 किलोमीटर 1 बार 6 टन लेके आया, और जब सी से चला तो माल खाली कर दिया उसने 140 किलोमीटर 1 बार 0 टन लेके नील. तीन सौ किलोमीटर 5 बार 8 टन 12,000, 300 किलोमीटर 6 बार 6 टन 10,800 किलोमीटर, उसके बाद 160 किलोमीटर 1 बार 6 टन लेके 960, 960, उसके बाद 140 इंटू 1 जीरो लेके 0 हो गया, टोटल आ गया बेटे, टोटल कर लेते हैं
44720। ये चार्ट दोबारा समझ लो बच्चों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ए से लेकर बी तक 300 किलोमीटर सीधा सीधा गया 10 बार, 6 टन लेकर ए से लेकर सी तक, क्योंकि दो बार रास्ते में रुक गया, सीधा नहीं गया, सी पर रुक गया। सी पे गया 140 किलोमीटर, दो बार 6 टन लेके तो आ गया 1680। सी से लेकर बी तक गया 160 किलोमीटर, यानी जब माल उतर गया तो 4 टन रह गया, 2 टन उतार दिया। ऐसे जब लौट के आया तो 5 बार 8 टन लेके आया, 6 बार 6 टन लेके आया और एक बार सारा माल उतार दिया उसने सी पर। तो इस तरीके से हमने निकाल लिए टोटल टन किलोमीटर 44720। अब इस क्वेश्चन के दो पार्ट है, पहले हमें निकालना है कॉस्ट पर टन किलोमीटर। तो बनाते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट, ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट, फिक्स कॉस्ट। हम पर मंथ निकाल लेते हैं कि जनवरी जनवरी का निकालना है हम 5000। मेंटेनेंस कॉस्ट 1000, 12000 थी। रनिंग कॉस्ट क्वेश्चन में दी हुई है 2944, टोटल आ गया हमारा 8944। पेनल्टी ऑपरेटिंग कॉस्ट में नहीं जुड़ेगी, लेकिन जब प्रॉफिट निकालेंगे तो कॉस्ट का पार्ट होगी पेनल्टी और फाइन, क्योंकि ये रिकरिंग नेचर के नहीं है। टन किलोमीटर कितने थे हमने निकाले थे बेटे, 44720 डिवाइड किया तो हमारी आ गई कॉस्ट पर टन किलोमीटर 8944 डिवाइडेड बाय 44720, 0.20। प्रॉफिट भी निकालना है, इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं। इनकम स्टेटमेंट रेवेन्यू, भैया ध्यान दो, ए से लेकर बी 10 टाइम्स गया था सीधा ए से लेकर बी तक, दो बार सी पे माल उतार दिया और फिर सी से आगे बढ़ा, लेकिन क्वेश्चन में कहा था हमें मतलब नहीं है रास्ते में तुमने कुछ भी करा हो, हमारे यहां से जितना माल भरेगा उतने की हम चार्ज कर लेंगे, यानी कि 90 रुपए 6 टन के 12 बार, ये आ गया 6480। बी से ए तक 84, लेकिन 8 टन 5 बार और 84 6 टन 5 टाइम्स 3528, टोटल आ गया 13338 माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट जो निकाली थी हमने 8944 माइनस फाइन 1200, प्रॉफिट आ गया हमारे पास 3224। इस क्वेश्चन में मेन चीज बस कैलकुलेशन थी भैया ये वाली, ठीक है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, अ कंपनी इज कंसीडरिंग 3 अल्टरनेटिव प्रपोजल फॉर कन्वेंस फैसिलिटी फॉर इट्स सेल्स पर्सनल हु हैज टू कंसीडरेबल traveling approximately 20,000 kilometers every year. The proposal are as follows. Purchase and maintain its own fleet of cars. The average cost is 1 lakh. कहता है एक कंपनी है उसके पास कन्वेंस के लिए तीन ऑप्शन है,
साल में 20,000 किलोमीटर गाड़ी चलनी है, पहला ऑप्शन ये है कि अपनी गाड़ी खरीद लो भैया और गाड़ी की कॉस्ट है 1,00,000 रुपए। दूसरा ऑप्शन, अलाउ द एग्जीक्यूटिव यूज हिज ओन कार एंड रीइंबर्स एक्सपेंसेस एट द रेट ऑफ 1.60 पर किलोमीटर आल्सो बियर द इंश्योरेंस कॉस्ट। जितने काम करते हैं उनसे कहा भैया अपनी गाड़ी ले आओ और हम आपको 1.60 रुपए पर किलोमीटर पेमेंट करेंगे, साथ में गाड़ी का इंश्योरेंस भी देंगे। तीसरा तरीका यह है कि हायर कर लो गाड़ी को 20 रुपए साल पर इसमें पेट्रोल कंपनी का होगा और टैक्स और टायर कंपनी के होंगे। खर्चा क्या है, पेट्रोल, रिपेयर, टायर, इंश्योरेंस, टैक्स, लाइफ दी है 5 साल की, डीजल वैल्यू है 20,000 एट द एंड ऑफ द फिफ्थ ईयर। ठीक है भैया, तीनों प्रपोजल निकालने हैं, उनकी रैंक करना है। चलो बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। मैंने इस स्टेटमेंट का नाम स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन इसलिए रखा है क्योंकि इसमें आपको डिसीजन लेना है, रैंकिंग करनी है, राइट। फर्स्ट ऑप्शन है परचेज का, सेकंड ऑप्शन एग्जीक्यूटिव अपनी कार लेके आए, थर्ड ऑप्शन किराए पे ले लें हम गाड़ी को। ठीक है बच्चों, तो फिक्स चार्जेस, रनिंग चार्जेस, फिक्स चार्जेस क्या क्या आएंगे, सबसे पहले डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना भैया, 1,00,000 माइनस 20,000 डिवाइडेड बाय 5। परचेज में तो लगेगा ही लगेगा डेप्रिसिएशन, लेकिन जब परचेज नहीं करेंगे तो डेप नहीं लगेगा। उसके बाद इंश्योरेंस कितना दिया हुआ है, 1,200 पहले ऑप्शन में लगेगा और दूसरे ऑप्शन में भी हम बियर कर रही है कंपनी, हम लगाएंगे उसे, थर्ड में नहीं। फिर है रोड टैक्स, पहले ऑप्शन में लगेगा क्योंकि सारी कंपनी गाड़ी अपनी, सब खर्चा बियर करना पड़ेगा, दूसरे ऑप्शन में नहीं है लेकिन तीसरे ऑप्शन में कंपनी बियर कर रही है, लिखा हुआ है विल कंपनी विल बियर विल हैव टू बियर कॉस्ट ऑफ पेट्रोल टैक्स एंड टायर्स। इसके बाद हायर चार्जेस, वो केवल थर्ड ऑप्शन में लमसम 20,000। आगे बढ़ते हैं रनिंग चार्जेस, रनिंग चार्जेस में क्या क्या आएगा बेटे, पेट्रोल किलोमीटर कितनी चलेगी 20,000, खर्चा है 60 पैसा, पेट्रोल हो गया 12,000 पहले ऑप्शन में और थर्ड ऑप्शन में। दूसरा खर्चा है हमारा रनिंग का, रिपेयर मेंटेनेंस का, कितना खर्चा 20 पैसा, यानी कि 4,000 केवल पहले ऑप्शन में। उसके बाद टायर कॉस्ट 12 पैसा, 2,400 20,000 किलोमीटर के लिए पहले ऑप्शन में और तीसरे ऑप्शन में। उसके बाद रीइंबर्समेंट भी तो करना है, 160 पैसे के हिसाब, 160 पर किलोमीटर के हिसाब से, ये हो गया सेकंड ऑप्शन में 32,000, 20,000 इंटू 1.60, और तो कुछ बचा नहीं, तीनों को टोटल कर लेते हैं, ये हो गया 36,400, दूसरा हो गया 33,200 और तीसरा हो गया 35,200, ये आपकी टोटल कॉस्ट आ गई। इसमें बच्चों क्या ऐड कर दें अपन, इसमें रैंक देनी है, ऐड नहीं करना, रैंक देनी है। रैंक सबसे सस्ता कौन सा, फर्स्ट, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर। ठीक है बच्चों, तो ये आज की क्लास थी बच्चों।
होमवर्क प्रॉपर कर लीजिए, अभी 63 कह रहे हैं हमें पूरे 100 करने हैं इसमें, ठीक है, घबराना नहीं, ठीक, चलो, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।